Yeah.
रविन्द्रनाथ महाराज की, आत्मज कुमार दास की, आत्मा राजकुमार दास की, सभी संत समाज की, आज की महान पूजा की, बोलो साधो। Thank you.
हेलो सतनाम सर साहेब जी शक्ति अमर रहे सतगुरु श्यामी शक्ति अमर रहे बोलो साधो सतनाम भाई। मेरी सभी साथ संगत से हाथ जोड़ के साहेब बंदगी भाई साहेब तुम सदा ही खुश रहो मौज करते रहो और तीसरे नंबर पर साहेब इस नगरी को मेरी साहेब बंदगी धन्य हो भाई इस नगरी को और सत्संग प्रेमियों सत्संग काशीराम कलोली में बिरजदास महाराज जी ने 9 साल सेवा करी 9 साल सेवा करके बेचारा चलेगा थारी लिया ही तो बना के गया वो अपनी लिया बना के गया कुछ थारी लिया ही तो करके गया नगरी वालों की बाहर के आदमी अतिथि आवेंगे मेरे आश्रम में आवेंगे मेरा नाम होगा लुकेंगे यहाँ बैठेंगे है नहीं नो 9 साल सेवा करी जो साहेब सही संत होते हैं ना वे ज्यादा उम्र नहीं जीतते थोड़ी उम्र जी में कोई काम पूरा नहीं कर सकते वे ना कोई होता उन पर काम ना वे करते वे ताड़े चले जाकर जो डाल का काम लेकर चल कर कोई भी हो चाहे पूरा नहीं करने के ये काम संतों का ही है और देखो यो मंदिर बनाने मस्जिद बनाने ये सब काम इनमें चलो यहाँ 12 के 18 लगे तो सब थारा ही मारा तो ना लगता हार तो ना चलाते हम किसी के मेहनत करने भी नहीं जाते देना भी थारा ही आना भी थारा ही देखना भी थारा ही सुनना भी थारा ही सत्संग प्रेमियों जहाँ बैठे हुए हो के यहाँ से अगली साल यहाँ बरात घर बन जाएगा अगली साल सत्संग उसी बरात घर में होगा फिर आप जो है कच्चे पर नहीं बैठोगे पक्के पर बैठोगे दया उस मालिक की देन थारी लेन हमारी हम करेंगे इस काम को जय होगी भाई मालिक सत्संग प्रेमियों सत्संग रविदास मिशन का होगा सत्संग संतों का होगा संत शिरोमणि रविदास महाराज जी बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज जी गुरु नानक साहब महाराज जी समनदास महाराज जी ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी हरिदास महाराज जी सब संतों का सत्संग होगा मेरे लिए सब संत एक सार है आप लोग भी सब मेरे लिए एक सार हो इसमें कोई मैं भेद विवाद नहीं रखता ना मैं करता इस काम को कोई किसी किस्म का भी कोई वाद विवाद ना हो किसी भी किस्म का कोई सत्संग शांति का हो नुका सत्संग में सुख बिलस ले नुका उतरना चाह व्यापार अनुका खोटा मन बदलाए दे सतगुरु जब सुनार ये यहीं तो बदले जाता कहिए संत बतावे इस बात को हम नहीं कहते हम तो कई दिन के जाकर हैं संत कहें इस बात को जो पहले कह के चले गए उनकी बात पूरी होने लग रही तो आज के सभापति मालिक साहिब सतगुरु श्यामी समनदास महाराज जी
होंगे और संचालन जो हमारे बीच में छपरौली से चल गए यहाँ तक पहुंचे, देखो कितना हैरवा साहब। बल्कि एक बात और बताऊंगा मैं आप लोगों को, आप लोग जाते नहीं और ये हमें बुलाते नहीं, बात ठीक है नहीं? ये हमारे पास चिट्ठी देनी आती है, हम इनके पास मान लो जहाँ चिट्ठी देनी चाहिए कहीं बसो दुनिया में, हमें हैरवा नहीं था और इन्हें नहीं मारा हैरवा है जी। अरे साहबाद कह रखा था ना कर रहा होगा। तो आज के संचालन जो सत्संग को लेकर चलेंगे सबको लोगों को नाव में बिठा कर ले चलेंगे और सतगुरु द्वार जाएंगे और मालिक का सब पर दया होगी। इंद्रपाल महाराज जी छपरौली वाले आवे और अपनी सभा को संभाले। जय हो भाई, धन्यवाद सतनाम। भाई सोमपाल अध्यक्ष साहब जहाँ कहीं हो यहाँ आवे और मेंबर साहब भी भाई अनिल साहब जहाँ कहीं हो यहाँ आवे और जय भगवान मेंबर भाई उनसे भी अरदास है मेरी, वे भी यहाँ है। और संजय दास जो हमारे आश्रम की सेवा कर रहा है भाई, बेचारा बहुत कड़ा होकर मंड रहा कई दिन हो गए, वो भी यहाँ है भाई। छोटा साध भाई यहाँ आओ भाई, सारे मोहल्ले वाले जितने भी तुम्हारे एक बार खड़े होकर आ जाओ, इन महात्मा को स्वागत कर लो, फिर ना हाथ आनेगे सारे आ जाओ। आज ही आज है, कल तो गाजा मार दिया फिर सोता तारा। हेलो 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 डालते रहो ये डालते रहो।
रहो। चलते रहो आगे, चलते रहो, निकालते रहो। दस के देखो खुले हो संत को देख लियो बस संत ने आके यहां ठीक है साधो साधो कहां खुले हो हम ठीक कर सभी संतों महंतों को साथ भक्त जनों को साथ आदरणीय दूर दराज से हमारे परम पूजनीय हमारे जो संत यहाँ थाने भवन में पहुंचे हैं इतनी आस तो थी नहीं परंतु श्री राजकुमार दास जी ने बहुत प्रयास बड़ा प्यार अपना दिखाया और उनके प्यार में हम इतने झुके हम सभी वहां से अपना समय अनमोल देकर इनके पास में पहुंचे अपनी हाजिरी लगाने के लिए और ये सत्संग उन्हीं के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने गांव वालों से सभी से अपनी सामग्री लेकर के उनका सहयोग लेकर के हैं सभी बुजुर्ग अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। यह वो रास्ता है। और प्रेमियों हर संत ने यहां पर अपना जितना कर्म किया जितनी प्रेरणा बढ़ाई वो सबको दर्शाया। संत शिरोमणि गुरु रविदास भक्ति का सार बाया। संत गुरु रविदास जी ने भक्ति का सार बहा है। प्रेम सतगुरु कबीर साहब ने मानवता को दर्शा है। गुरु नानक साहब जी ने प्यार की प्रेरणा बाड़ी है प्रेम की प्यार दिखाया प्यार क्या वस्तु है नाम क्या वस्तु है। और गोरख साहब जी ने योग मार्ग को दर्शाया है। चार संत हमारे प्रथम भारत के पूरे वर्ल्ड के हुए हैं। प्रेम निशाना लक्ष्य सबका एक था परंतु कुछ रास्ता अलग अलग होकर के अपनी क्रिया अपना साधन बना करके सबने अपना प्रैक्टिकल दिखाया यहां बताया। तो इसलिए
मेरी हाथ जोड़ कर सभी से प्रार्थना है, दूर दराज से हमारे सत्संगी भाई, हमारे मिलने वाले हमारे प्रेमी मेहरमी, आपस में वाद विवाद ना करें। सबसे मूल बात है कि वो आपस में वाद विवाद ना करें। प्यार का सत्संग महाराज जी ने बताया, प्यार दिखाना है कि हमने कितना प्यार सीखा, कितना प्यार बढ़ाया है, वो प्यार दिखाना है। आज हम यहाँ सब मत मतांतरों के सभी साधु और साध संगत इकट्ठा है आपके थाने भवन में, आपके बीच में हर एक एक ऐसी ऐसी महान आत्मा आपके बीच में है जो आपके जीवन को सफल कल्याण कर सकती है, आपके जीवन को धन्य कर सकती है, आपको ऐसी ऐसी बातें, ऐसी वाणियां, ऐसे ऐसे विचार, ये महापुरुष जो संत आपके यहाँ पर धारे और हमारी साथ संगत जो यहाँ पर धारी है वो सब आपके सामने दर्शाएंगी, और आप जो है ना उसको अंतकरण में उतार करके उसका चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, ये सबसे बड़ा मूल धन है। जो बस राखे इंद्रिया सुख दुख समझे समान, सोई अमृत पद पाएंगे कहीं रविदास मखान। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, कब्जे में कर लिया, मन को डांट लिया, खींच लिया, पकड़ लिया, वही लखेंगे उस घाट को बता प्रेम। ऐसा संत गुरु रविदास जी का आदेश है, ऐसी भक्ति उन्होंने की है प्रेम। भक्ति का सार ऐसा बा, ऐसी भक्ति करी जगत के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का है। ये सिर्फ उन्हीं की बदौलत से ऐसी उनका स्रोत रहा है, और उनकी मूल धन सब एक ही बात में निर्णय कर दी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये भी उन्होंने एक बड़ा बहुत मूल धन बताया, देखो सबके छेद रह गए। तो आपस में पक्षपात ना कर करके मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना भाइयों, अग्नि आपस में रोध ना करियो, हमारी साथ संगत ठीक नहीं रहने के फिर हम सत्संगी नहीं कहने योग होते हैं। सत्संगी वो ही कहलाते हैं प्रेमियों, जो संत के वचनों को कहे हुआ पालन करता है, साथ संगत की सेवा करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, गले लगाते हैं, उसी को सत्संगी कहते हैं, वही सत्संग सार है। तो बड़ा है ज्ञान का सागर, नहा लो जिसका जी चाहे, बड़ा है ज्ञान का सागर, नहा लो जिसका जी चाहे, अनादि अज्ञान केवल को छुड़ा लो जिसका जी चाहे। कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। रविदास जी ने साफ बिल्कुल इशारा कर दिया, करके सारी बात नमेड़ा कर दिया, खोजत किसे फिरे तेरे घट में सर्जन हार, तू किसे खोजत फिरे तेरे घट में सर्जन हार। धक्के खाने की जरूरत नहीं, अपने अंतकरण को साफ करो, अपने हृदय को साफ करो, अपने मन को पवित्र बनाओ और सच्चे सतगुरु के पास में जाओ, वही तुम्हारा भला कर सकते हैं, वही तुम्हारा वो जीवन सफल बना सकते हैं। क्यों गुरुवा लोग बड़े परपंची करते का जमा का, वंचकवादी बहुत बढ़ाया, मिला नहीं कुछ पाका, ना उनके पास में कोई शक्ति होती है, ना तीर सकते और ना तार सकते, ऐसे गुरु की जरूरत नहीं होती है। अंधे को अंधा मिला, कहो कहो को जा, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका। ऐसा संत गुरु ने संतों ने दर्शाया, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने को पवित्र करो, मन को डांट लो, मन को शुद्ध कर लो, मन को शुद्ध बना लो, खान पान को शुद्ध कर लो अपने। जब आपका खान पान शुद्ध हो जाएगा तो आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा, ये दवा है बिल्कुल इस बात का। खानी और बानी दो ही रहस्य है आसी। तो इसलिए सभी से निवेदन प्रार्थना है, कोशिश करूंगा मैं सभी के, जितने भी भाई दूर दराज से आए सभी का नंबर आए, एक एक वाणी से सभी को संबोधित किए रखें, क्योंकि साथ संगत ज्यादा है, हम ये चाह सभी भाइयों का नंबर आ जाए। तो बोलिए सतगुरुदेव की साहेबंदगी। तो गांव कस्बा थाने थाना है, तो कस्बा है यहाँ तो थाना तो इसलिए है कि यहाँ थाना था अंग्रेजों के जमाने से, पहले उसी के जमाने से थाना बजता है यहाँ से, ऐसा बताया है, उसी भवन था यहाँ जो भी बताया साहब ने, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ के गांव के आदमी आएंगे और सभा का स्वागत करेंगे, और वाणी के माध्यम से, आरती के माध्यम से, नाम क्या बताया था जी, राम कुमार जी, राम कुमार और जोन के साथी है, वे आए। श्री ओम ओमिदास जी साहेब जी,
गद्दी नसीब किशनपुर बिराड़ से आए हैं। वे भी महाराज समनदास जी के सेवक हैं, बड़े बहुत सेवा करते हैं, अच्छी जगह रहते हैं। रविदास आश्रम उन्होंने बनवाया है वहाँ, बहुत बढ़िया, और वहीं रह रहे हैं, अच्छी जगह है, बहुत ही सेवा करते हैं। कोई भी भगत संत किसी भी टाइम जा सकते हैं। वे सभी संतों का सम्मान कर रहे हैं। बोलो साधो सत्साह, भेजो भाई आ जाओ।